नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं प्रगतिशील ऑल इंडिया न्यूज सीतामढ़ी से कुछ खास खबरें। सीतामढ़ी जिला प्रशासन को मिली आज बड़ी सफलता, एक महिला के साथ 6 अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आइए आपको पूरी जानकारी अवगत कराते हैं सीतामढ़ी सदर DSP रामाकृष्णा से। 2 दिसंबर 2023 एवं 30 जनवरी 2024 को सोनबरसा थाना अंतर्गत 2 अलग अलग फिरौती हेतु अपहरण के कांड दर्ज किए गए, जिसमें कि सर्वप्रथम 2 दिसंबर को दवा व्यवसायी कामेश्वर राय का अपहरण किया गया था एवं उन्हीं अपराधियों द्वारा पुनः 30 जनवरी को चिमनी संचालक विजय कुमार के पुत्र अभिषेक का अपहरण किया गया था। पुलिस दबिश की वजह से उन दोनों कांडों में जो अपहरित थे उन्हें सकुशल बरामद कर लिया गया था, लेकिन जो इसके पीछे करने वाले लोग थे उनको पकड़ नहीं पाए थे हम लोग। उन दोनों के सफल ले आने के पश्चात हम लोग जो तकनीकी अनुसंधान एवं अन्य सभी जो उपलब्ध साक्ष्य थे उसके आधार पर जो अनुसंधान हुई है उससे अभी जो है ये पता चला है कि ये जो अपहरण हुए थे ये दोनों एक ही गिरोह द्वारा किया गया था। हम उन दोनों का जो है वो कनेक्शन इंडिया और नेपाल दोनों से है, चूंकि सोनबरसा थाना नेपाल बॉर्डर पे अवस्थित है, इसलिए इन लोगों का जो कनेक्शन है दोनों तरफ के कुछ लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिए थे। जो इंडियन साइड का कनेक्शन है उसमें से अधिकतर लोगों को हम लोग चिन्हित कर लिया है एवं उन लोगों को आज हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रहे हैं, जिसमें एक महिला सहित 6 लोग हैं, कुल 5 पुरुष और 1 महिला है। कुछ अन्य लोग जो है जिनके तार अभी से जुड़े हुए हैं, कुछ उसमें भारतीय भी हैं जो अभी फरार हैं एवं कुछ नेपाल के भी नागरिक हैं जो अभी हमारी गिरफ्त से दूर हैं, जिन पे अभी हमारा अद्यतन अनुसंधान जारी है एवं जल्दी हम उन्हें भी पकड़कर उनकी सही जगह उन्हें पहुंचा दें।